अयोध्या इज द बर्थ प्लेस ऑफ राम, ठीक है। और वहाँ पर एक मंदिर था, उससे पहले जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था। जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था। बेस्ट विशेस फॉर द हिंदू कम्युनिटी। लेकिन मुझे, मैंने आज ना इनॉग्रेशन के हवाले से जिस तरह आप बता रही हैं, यकीनन जो है ना वर्ल्ड वाइड इसकी प्रमोशन की गई है, बट इतना अफसोस हुआ ये देख करके यार, उनको कोई जो मजहबी रहनुमा, उनका कोई पुजारी, कोई संत या उनका कोई गुरु, इनमें से कोई एक पर्सन भी नहीं मिला यार जो वहाँ जाके इस मंदिर की इनॉग्रेशन कर सके। गए ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया। डू यू थिंक नरेंद्र मोदी इज ए स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन एंड हु इज एबल टू इनॉग्रेट ए मंदिर? अगर तो पहले वहाँ पे मंदिर था तो फिर जिसने वहाँ पे मस्जिद बनाई उस बंदे ने गलत किया, ठीक है। और अगर वहाँ पे मस्जिद बन चुकी थी तो फिर मेरे ख्याल में उसको मस्जिद ही रहने देना चाहिए था, उसको जो है डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। जब आप उसको हटा के हमारे दिलों के ऊपर एक जो है वो लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं हमें, तो आप बजाय कि हमें दूसरी जगह पे जो है मस्जिद की जगह दे रहे हैं, तो आप जो है अगर उस जगह पे वो मंदिर बना लें तो शायद मेरे ख्याल में बेहतर हो जाता। एक मुस्लिम औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और उसने उसका नाम राम रहीम रखा है। मतलब कि आई वॉज लाइक शॉक, मतलब देखो कि वहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव जो है वो कितने ब्रॉड है, और यहाँ पर हम लोग तो भाई क्रिटिसाइज करते रह जाएंगे और वहाँ पर वो सब कुछ कर गुजरेंगे और कर गुजर चुके हैं। चलिए, जो कुछ भी हो गया ठीक है, अब उसके बाद इंडिया को चाहिए, जितनी उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया मंदिर को, उन्हें चाहिए कि उसी तरह इम्पोर्टेंस मस्जिद को भी दें। जिस तरह से उन्होंने इसको बनाया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जैसे सुनने में है कि आयरन नहीं यूज हुआ या सरिया नहीं यूज हुआ, तो इनको चाहिए कि मस्जिद को भी उसी तरीके से तैयार करें, देखें कि मुसलमानों को भी वो खुशी मिले जो इन्होंने अपने रिलीजन को दी। चीज़ इंसान के दिल से बिलोंग रखती है, मस्जिद छोटी हो, मंदिर छोटा हो, बड़ा हो, इट डज नॉट मीन। बेसिकली वहाँ पे जो दर्स देने वाले लोग हैं उन पे जो है ना फोकस करें अपना, एंड ऐसे लोगों को वहाँ पे जो है ना अपॉइंट करना चाहें जो कि अच्छी मजहबी तालीमात को फ़रोग दें, भाईचारे को कायम रखें। बाकी इट डस नॉट मीन कि भाई टेक्नोलॉजी बड़ी है, रकबा बड़ा, इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है। दिल जो है ना वो हमेशा मोहब्बत से फतह होते हैं। अगर तो शवाहिद उन्होंने जो इकट्ठे किए हैं कि पहले यहाँ पर राम मंदिर था, तो फिर इस चीज़ को जो हमारे से गलत हुआ था हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उस चीज़ की माजरत कर लेते हैं, ठीक है। हम कभी भी, हमारे मुसलमान जो है इस चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे कि भाई हम उनके किसी जो उनके लिए एक अच्छी जगह है हम उसको जो डिमोलिश करें। अगर तो ये हमारी तरफ से गलती हुई थी और इसके मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं उनके पास, तो फिर तो भाई हमारी तरफ से एक माजरत का पैगाम उनकी तरफ जाना चाहिए कि भाई हमसे ये गलती हुई थी, अगर आप लोगों ने दोबारा इस चीज़ को जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया उस चीज़ को तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रहने देते तो हमारे दिल में भी कहीं ना कहीं जो है वो मजीद जो है उनके लिए रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ जाता। नाज़रीन, राम मंदिर का इफ्तिताह भी हो गया, राम मंदिर को 250 मिलियन की डोनेशन भी आ गई, राम मंदिर इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देने जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त राम मंदिर के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आला हुकाम राम मंदिर के इफ्तिताही तकरीब पर सिर्फ अफसोस कर रहे हैं। हमारे आला हुकाम की इस अफसोस पर पाकिस्तानी अवाम को कितना अफसोस है, आइए जानते हैं। आमना क्या कहेंगी, इंडिया में राम मंदिर का बड़े धूमधाम से इफ्तिताह कर दिया गया। पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो ग्लोबली सिर्फ राम मंदिर ही ट्रेंड कर रहा है, लेकिन हमारे आला हुकाम, हमारी निगरान हुकूमत सिर्फ मजम्मत करती रह गई। हमने हमेशा इन्हें मजम्मत करते हुए देखा है, कोई भी मसला हो, मसला कश्मीर हो, कोई भी इशू हो, कहीं पे कोई बड़े से बड़ा मसला आ जाए, हम लोग सिर्फ मजम्मत करते रह जाते हैं और इंडिया कर कुर के फारिग हो जाता है। अच्छा, सिचुएशन ये है वाकई में, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम लोग जो है ना वो सिर्फ लेग पुलिंग करते हैं या फिर क्रिटिसाइज करते हैं और मजम्मत करते रह जाते हैं, और जो करने वाला होता है वो कर गुजरता है और कर गुजर के भूल भी जाता है। अब आप देखें कि राम मंदिर जो है वो वाकई में एक इंटरनेशनल अटेंशन बना है और लोगों ने बहुत मुबारकबाद दी है, लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोगों को जो, हम लोगों ने वो कहते हैं ना जद्दी पुश्ती काम पकड़ा हुआ है क्रिटिसिज्म का, हमने वो करनी है क्योंकि वो हमारे खून में रच बस चुका है। हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ पर एक और मस्जिद की भी जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद, और उसको ऑनर में बनाया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, विद अ कैपेसिटी ऑफ 9,000 पीपल, एग्जैक्टली लाइक राम मंदिर, ठीक है। 9,000 पीपल की कैपेसिटी राम मंदिर में भी है और सेम टू सेम अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी। अगर आप ये सारी सिचुएशंस को देखें ना, तो इंडिया
जो है इंडिया डजंट केयर एट ऑल. अगर आपको मैं सही बात बताऊँ ना, एग्जैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया की जो LOC जो है वो हमारी तरफ लगती है ना, पाकिस्तान की तरफ, उन्होंने वहाँ से अपनी ज़्यादातर फोर्सेज हटा के अब चाइना की तरफ कर दी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब तो ये हमारे राइवल्स रहे नहीं. ठीक है, उनकी मैक्सिमम फोर्सेस और उनकी ज़्यादातर जो अब एनर्जी है वो चाइना बॉर्डर की तरफ ज़्यादा है, हमारी तरफ इतनी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यार हम लड़के करेंगे भी क्या, अब वो हमें राइवल्स नहीं समझते, वो हमें अपने मुकाबले समझते ही नहीं है. तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी अपनी मौत आप मर जाएंगे, हमें इनके साथ लड़ने मरने की जरूरत नहीं है. अब आप ये देखें ना कि राम मंदिर की आमना अगर हम बात करें तो राम मंदिर को कितनी बड़ी बड़ी डोनेशंस हो रही है, मतलब कितनी बड़ी चीज है इंडिया के लिए ये. आई वॉज इवन रीडिंग द न्यूज के एक ज्वेलर है, एक डायमंड कंपनी है फ्रॉम गुजरात सूरत, और उन्होंने 11 करोड़ की वर्थ का जो है वो उन्होंने एक ताज गिफ्ट किया है वहाँ के जो पंडित है उनको. एंड आई वॉज लाइक सरप्राइज, मैंने कहा यार इतने पैसे इधर आ जाएंगे तो हमारा तो सारा कर्जा उतर जाएगा, लाइक सीरियसली टू बी वेरी ऑनेस्ट. यहाँ तक कि 250 मिलियन की डोनेशन जो है वो जमा हो गई है राम मंदिर के लिए. एग्जैक्टली. अब अगर बात की जाए, हम लोगों ने बहुत सारे इवन कि मैं ये भी सुन रही थी कि वहाँ अभी एक रिसेंटली एक मूवी बहुत ज़्यादा फेमस होती है, 700 करोड़ का बिजनेस करती है, सालार नाम है प्रभास की मूवी, और प्रभास को वहाँ पे इनवाइट किया गया था, उसने भी 100 करोड़ रुपया वहाँ पर डोनेट किया. तो अब आप खुद सोच लें कि भाई एक तरफ से ही इतनी डोनेशन आ रही, फिर उन्होंने कितने बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया हुआ था, देर वॉज मीडिया, देर वॉज बॉलीवुड, देर वॉज क्रिकेट की पूरी दुनिया, पूरी ICC वहाँ पर बैठी हुई थी, पूरे पॉलिटिशियंस वहाँ पर बैठे हुए थे, स्टार्स बड़े से बड़े. एग्जैक्टली. वहाँ पर आपको वहाँ पर हर वो शोबिज का बंदा, आपको क्रिकेट का बंदा, आपको पूरा ग्लैमर वहाँ पर मिल रहा था, और ईच एंड एवरी थिंग. तो ऑब्वियसली जब आप इतनी बड़ी अब ऐसी तो नहीं इंटरनेशनल अटेंशन उसने गेन की है ना. अब अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में जाए, पास्ट में जाए, तो अयोध्या इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ राम. ठीक है, और वहाँ पर एक मंदिर था उससे पहले, जब मुगल एम्पायर आया था उससे पहले वहाँ पर एक मंदिर था. जब हम लोगों ने, आपने भी पाकिस्तानी बुक्स में भी लिखा हुआ है कि जब वहाँ पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, जिसके नाम पे बाबरी मस्जिद थी, उसने जब वहाँ पर आकर अपनी हुकूमत का झंडा गाड़ा था तो वहाँ पर बहुत से मंदिरों को तोड़ा गया था, ये आपको याद होगा. बिल्कुल, इसलिए तो इंडियंस कहते हैं ना कि वहाँ पे पहले मंदिर था, क्योंकि वहाँ पे मेरा ख्याल है राम की जन्मभूमि कहा जाता है, उस जगह प्लेस उसको कहा जाता है, बर्थ प्लेस. एग्जैक्टली. तो दैट वाज द प्लेस वे राम वाज बोर्न, और वो डेफिनेटली हमारे लिए काबा कितना, खाना काबा हमारे लिए, मदीना कितना इंपॉर्टेंट है, सेम उनके लिए अयोध्या कितना इंपॉर्टेंट होगा. इट इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ राम. और उसके बाद जब मुगल एम्पायर आया था तो मुगल एम्पायर में बाबरी मस्जिद बाबर के नाम से बनाई गई है, और बाबर जो था वो जहीर दीन मोहम्मद बाबर, जो मुगल एम्पायर के जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी, उन्होंने वहां पर जो मंदिर तोड़े थे उसके बाद वहां पर मस्जिद बना था. ठीक है, फिर उसके बाद आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपकी नजर से गुजरी होगी, जब ये कहा गया था कि आप दो फ्लोर्स बनाएं, एक फ्लोर पे मंदिर बनाए, एक फ्लोर पे मस्जिद बनाए. फिर उन्होंने ये कहा था कि जी अच्छा ऐसी बात है तो हम नीचे मस्जिद बनाएंगे, ऊपर मंदिर बनाएंगे, और एक स्पेसिफिक हाइट पे मंदिर बनेगा. ठीक है, इन्होंने वो जो हाइट थी मुस्लिम्स ने वही इतनी नीचे रख दी. मतलब फॉर एग्जांपल, अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं याद, बट ये खबर ऑथेंटिक है कि उन्होंने कहा था लेट्स सपोज 30 फीट के जो हाइट है वहाँ तक मस्जिद होगा, उसके ऊपर ऊपर मंदिर होगा, ये बात हुई थी. तो उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन मस्जिद की थी वही 25 फीट तक की थी, तब हवा में तो मंदिर बन नहीं सकता था. तो ये सारी सिचुएशन थी, ये सारी चीज़ें थी, और ये तब का टाइम है, ये जब हमारी जद्दोजहद चल रही थी आज़ादी वाली, कायदे आज़म की तरफ से ये डिसीजन लिया गया था कि हम नीचे बेस के कहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग मस्जिद बनाएंगे. फिर उसके बाद मंदिर मस्जिद बना रह गया, मंदिर नहीं बना. लेकिन अब देखो हिंदुओं के लिए तो ये चीज़ एक स्टिल एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई हमारी हमारी हमारे हमारे देवता की, हमारे भगवान की जन्मभूमि, और वहाँ पर उसका मंदिर नहीं है. और अब ये देखो ना आमना, कि वहाँ पर रहने वाले इंडियन मुस्लिम भी सारे खुश हैं आज. वो मैं एक, हाँ. एक एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें ये भी था कि एक मुस्लिम औरत के घर एक बेटा पैदा होता है और उसने उसका नाम राम रहीम रखा है. अच्छा. मतलब कि आई वॉज लाइक शॉक. मतलब देखो कि वहाँ पर लोगों के पर्सपेक्टिव जो हैं वो कितने ब्रॉड है, और यहाँ पर हम लोग तो भाई क्रिटिसाइज करते रह जाएंगे, और वहाँ पर वो सब कुछ कर गुजर चुके हैं वहाँ पर. मतलब वो लोग वहाँ की हाइप पकड़ के, वो अक्सर होता था ना कि जब कहते हैं कि एक पेंड में उस टाइम
फैशन आता है जब वो शहरों में पुराना हो जाता है, सेम वही चीज़ है कि इंडिया में उस जब तक हाइप आके ख़त्म हो जाती है तब यहाँ पर आके क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। भाई अब वो लोग खत्म, फिनिश हो चुका है, अब छोड़ दो, अब अपने अपने ऊपर फोकस करो। हमारे राम मंदिर बना लिया, उसका इफ्तिताह कर दिया है, तो ठीक है यार, हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। हमारा दीन भी हमें यही तालीम देता है कि तमाम मजाहिब का एहतराम करें। और देखिए उनकी वहाँ की सरकार ने, या उनके अगर हम लॉ की बात करें तो उनके कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए आपको अलग से जगह दी, और वो भी काफ़ी बड़े रकबे की जगह है। और मुझे उम्मीद है कि इंडिया की सरकार वहाँ पर उसी तरह से मस्जिद तामीर करेगी जिस तरह से राम मंदिर तामीर किया गया डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो वो सबकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऑलरेडी आपको खुद भी पता है, और मैं भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, 9000 की कैपेसिटी की एक मस्जिद की वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड है। और वहाँ पर जो है मैं ये भी पढ़ी थी कि उसकी जो इनॉग्रेशन है वो खाना काबा से जो है वो बड़े ही अजीम कोई शख्सियत है, तो उन्होंने आकर उसकी इनॉग्रेशन करनी है, और सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ रखा जाएगा। इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारी अच्छी खबरें हमें सुनने को मिल रही, पॉजिटिव है जो। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारा मीडिया इन चीजों को कवर नहीं करता, इन खबरों को अवाम तक नहीं पहुंचाता। इंडिया का हमेशा नेगेटिव इमेज पहुंचाते हैं। अब बाबरी मस्जिद की हर जगह बात हो रही है कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके राम मंदिर खोल दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि राम मंदिर के साथ ही आगे थोड़ा सा बाबरी मस्जिद के लिए इंडिया की सरकार ने जगह दे दी है, और वहाँ पे तामीर का काम शुरू हो चुका हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ हम लोगों को किया है, हम लोगों ने स्पाइस क्रिएट करना होता है, क्रिस्प क्रिएट करना होता है, और वो इसी तरह से किया जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि थैंक गॉड वी आर हैविंग दैट सोशल मीडिया दैट इज़ कम्प्लीटली द राइट साइड, ठीक है। तो हम लोग जो है उस चीज़ के बारे में ओपनली स्पीक कर सकते हैं, हमें पता है यार रियलिटी क्या है, हमें पता है कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू हमें सब कुछ पता चल रहा है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर जो उन्होंने मस्जिद और मंदिर बनाया है, वो दोनों के जो इंटरेस्ट है उसको सिक्योर किया गया है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। आपका नाम? डॉक्टर सादत हसन। डॉक्टर, क्या कहेंगे अगर हम बात करें तो 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़े धूमधाम से राम मंदिर का इफ्तिताह किया। दुनिया भर में, ग्लोबली अगर हम बात करें तो ट्रेंडिंग में राम मंदिर जा रहा है, हर जगह राम मंदिर के चर्चे हो रहे हैं, लोग जो हैं राम मंदिर को तोहफे तहाइफ दे रहे हैं, 11 करोड़ के उन्हें डायमंड के ताज गिफ्ट किए जा रहे हैं, और 250 मिलियन की डोनेशन भी आ गई है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए? अच्छा, इसकी इनॉग्रेशन पे बात करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले वहाँ पर आई थिंक बाबरी मस्जिद कायम थी। देखें, अगर तो वो इंडियन प्रॉपर्टी थी, वहाँ पर मंदिर कायम था, तो निगोसिएशन करके मुस्लिम जो पेशवा हैं या मजहबी जो रिलीजियस वहाँ पे पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे कंसेंसस के साथ मिलके ये इकदाम करना चाहिए था। ओके, नंबर टू, अगर ये प्रॉपर्टी बिलोंग नहीं करती हिंदू सेक्ट्स के लोगों के पास, तो उनको ये इकदाम नहीं करना चाहिए था। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी ये मामला चला, इनॉग्रेशन हो गई, मंदिर बन चुका, तो बेस्ट विशेस फॉर द हिंदू कम्युनिटी। लेकिन मुझे, मैंने आज ना इनॉग्रेशन के हवाले से जिस तरह आप बता रही हैं, यकीनन जो है ना वर्ल्ड वाइड इसकी प्रमोशन की गई है, बट इतना अफसोस हुआ ये देख करके यार, उनको कोई जो मजहबी रहनमा, उनका कोई पुजारी, कोई संत या उनका कोई गुरु, इनमें से कोई एक पर्सन भी नहीं मिला यार जो वहाँ जाके इस मंदिर की इनॉग्रेशन कर सके। गए ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया। डू यू थिंक नरेंद्र मोदी इज ए स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन एंड हु इज एबल टू इनॉग्रेट ए मंदिर? ये तो हमारे व्यूअर्स बताएंगे, ये सवाल हम उनके लिए ओपन छोड़ते हैं। नहीं, देखें, आप किसी भी, वो कहते हैं ना, इंडियन सिटीजन से भी ये पूछ लेना, वो यकीनन उसको उसको नापसंद आएगी ये बात। देखो यार, ही इज़ ए पॉलिटिशियन, और जितने भी बॉलीवुड के नाम निहाद लोग हैं जिनको हम स्टार्स कहते हैं, उनसे एक, वो कहते हैं ना, उनकी, आई एम ए मुस्लिम, बट उनके लिए यकीनन हर किसी भी, वो कहते हैं ना, मज़हब से रिलेटेड कोई भी बिल्डिंग कायम की गई है, या जिस तरह हमारे यहाँ मस्जिद कहा जाता है एक ख़ास पैराए में, इसी तरह हिंदुज़म में मंदिर कहा जाता है, इनमें इनका इनॉग्रेशन कोई मजहबी रहनमा जो कि उस मज़हब की प्रॉपर, जिसको कोई तालीम है,
जो जानता है अपने मजहब के बारे में वो अच्छा भी लगता है ये तमाम इनॉग्रेशन करते हुए। आप पर्सनली मुझे बता दें कि किसी मस्जिद का जो है ना हम इफ्तिताह किसी ऐसी जो है ना कंट्रोवर्शियल शख्सियत से जो कि शोबे से बिलोंग करती हो वहाँ से उससे उससे इनॉग्रेट करवाया जाए तो डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब तो खैर जो होना था वो हो गया। 2019 में भी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला हिंदुओं के हक में दिया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा और बाबरी मस्जिद को जो है मुतबादिल जगह दे देगी काफ़ी बड़े एक रकबे पर, और कहा जा रहा है कि अब वहाँ पर बाबरी मस्जिद जो है तामीर की जाएगी। तो अब जिस तरह से डोनेशंस आ रही हैं राम मंदिर को और कहा जा रहा है कि ये इंडिया की इकॉनमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा, और अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम पर जिस तरह से राम मंदिर की इनॉग्रेशन दिखाएगी फिर बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया, क्या कहेंगे? देखें इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इंडियन पब्लिक है ना फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जो है ना थोड़ा सा जो है ना अपने मज़हब से रिलेटेड जो है ना जो लोग हैं उनके चुनाव में ना उनको काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है और अपनी मजहबी तालीमात के करीब जाएं। आई एम बीइंग ए मुस्लिम आई एम आस्किंग देम कि भाई अपनी जो मजहबी तालीमात है उन से करीब जाते हुए आप उन लोगों से इल्म हासिल करें जो कि कोई भी मज़हब जो है ना इंतशार या कोई भी गलत टीचिंग का दर्स नहीं देता। तो अगर आप इन जैसे लोगों के करीब होंगे तो यकीनन आपको वो ना मजहबी तालीमात मिलेंगी ना आप इंसानियत पसंद बनेंगे, किसी और तरफ निकल जाएंगे आप। हम चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट, और इन यार वो तो उनका एक नाम निहाद पॉलिटिशियन है योगी आदित्यनंद, एटलीस्ट उससे करा लेते तब भी हम एग्री होते, ठीक है तब भी हम कुछ ना कहते, लेकिन इन जैसे लोगों से एटलीस्ट उनको नहीं कराना चाहिए। बाकी रहेगी मस्जिद की बात कि उन्होंने मस्जिद तामीर के एहसन इकदाम है, ठीक है ना, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ जब इनाग्रेशन होगा तो यकीनन इमाम काबा को या वो कहते हैं ना जिस तरह हमारे सऊदी अरेबिया ईरान ये वो कहते हैं ना लीड कर रहे हैं मुस्लिम उम्मा को, वहाँ से बेहतरीन जो मजहबी पेशवा हैं जो कि सेंस रखते हैं इस चीज़ का उनको बुलाया जाएगा। और वो मैं तो ये कहूँगा कि सऊदी अरेबिया के जो इमाम काबा को आप बुला लें एंड ईरान से किसी भी उनके मजहबी पेशवा को बुला लें, क्योंकि ये मेनली सेक्ट जो है ना दोनों हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड में शिया सुनी ये मेनली सेक्ट पाए जाते हैं। तो मैंने ना आज आज मैंने इस टॉपिक पर जिन भी लोगों से बात की उन सब ने इंडिया को मुबारकबाद दी कि चलो उनका उनके लिए अच्छा हुआ राम मंदिर का जिस तरह से इफ्तिताह किया गया। उनका भी सेम आपके वाला मुतालबा था कि जिस तरह राम मंदिर को बनाया गया साइंस और टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने भी यही चाहा कि जब बाबरी मस्जिद बनाई जाए तब उसका भी इसी तरह से इफ्तिताह किया जाए, उसकी भी बिल्डिंग इसी तरह से खड़ी की जाए। तो उम्मीद है कि इंडिया की सरकार कुछ इसी तरह का ही करेगी, और अब ताकि पाकिस्तानियों को मुसलमानों को जो है वो अफसोस ना हो कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तो आबाद कर दिया गया लेकिन बाबरी मस्जिद को जहाँ बनाया गया उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। ये देखें ये कोई ऐसी कोई फ्रीलांसिंग या कोई ऐसी कोई वो मेरे सामने एक बोर्ड लगा आईटी शॉपिंग सेंटर तो नहीं है कि अगर आप इसमें कोई टेक्नोलॉजी सेट कर देंगे जो नमाजी जो है ना दौड़ दौड़ के आने लगेंगे या राम मंदिर में जो है ना पूजा करने वाले जो है ना धड़ धड़ भाग के आएंगे कि यार इतना प्यारा मंदिर है जी आज भगवान की जो है ना हमें ज़्यादा ही पूजा करने में मज़ा आएगा। भाई ये चीज़ इंसान के दिल से बिलोंग रखती है, मस्जिद छोटी हो मंदिर छोटा हो बड़ा हो इट डज़ नॉट मीन बेसिकली वहाँ पर जो दर्स देने वाले लोग हैं उन पे जो है ना फोकस करो अपना एंड ऐसे लोगों को वहाँ पे जो है ना अपॉइंट करना चाहें जो कि अच्छी मजहबी तालीमात को फ़रोग दें भाईचारे को कायम रखें। बाकी इट डस नॉट मीन कि भाई टेक्नोलॉजी बड़ी है रकबा बड़ा इससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है दिल जो है ना वो हमेशा मोहब्बत से फतह होते हैं चाहे वो किसी वो कहते हैं ना कॉर्नर में बनी हुई मस्जिद हो या किसी कॉर्नर में बंदा हुआ कोई छोटा सा मंदिर ही क्यों ना हो, पर्सनैलिटी डिपेंड करती है वहाँ पर जो बंदा टीचिंग कर रहा है उसे देखा जाएगा कि वो उसका क्या इम्पैक्ट है, बाकी ये टेक्नोलॉजी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका नाम? हमाद। वकास। हमाद और वकास आपको पता होगा इस वक्त राम मंदिर की अगर हम बात करें तो ट्रेंडिंग चल रही है राम मंदिर के हवाले से, सोशल मीडिया पर हर जगह गर्दिश कर रही है खबरें। 22 जनवरी को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो फाइनली राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है, अब हमारे आला हुकाम जो हमारी निगरान हुकूमत है वो इस मामले पर मुजम्मत कर रही है, वो कह रहे हैं कि इंडिया ने जो किया वो गलत है, बाबर मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया गया और राम मंदिर को आज आम आवाम के लिए खोल दिया गया है। तो क्या कहेंगे हम लोगों मुजम्मत करने के अलावा, क्या हमें और कोई काम नहीं आता? हमारे आला हुकाम हमेशा मुजम्मत ही क्यों करते रह जाते हैं? कभी कश्मीर का मसला हो तो हमने मुजम्मत की, अब इतना बड़ा मसला था, ये इंडिया के अंदर सेकेंड नंबर का हाइएस्ट केस था बाबरी मस्जिद का,
जिसकी जगह अब राम मंदिर जो है बना दिया गया, उसका इफ्तिताह भी कर दिया गया है, क्या कहेंगे? हमें मजम्मत करने के अलावा भी कुछ आता है या नहीं? देखें, हम तब कुछ कर सकते हैं अगर हम में कुछ होगा। जब हम पहले एक बेकारी को हम करार दे दिए गए, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें बना दिया है, तो हम डिसीजन तो ले ही नहीं सकते। देखिए, हम में डिसीजन पावर ही नहीं है। डिसीजन पावर होगी तो फिर हम इंटरनेशनल लेवल पे केस भी उठा सकते हैं, जाके जो स्टेट है उसमें कुछ बात भी कर सकते हैं कि जी जो हुआ है गलत नहीं होना चाहिए था। जैसे आपने बात की कि मजम्मत, जारी सी बात है, हम पिछले तकरीबन 1947 के बाद कश्मीर की भी मजम्मत करें, हम फलस्तीन की भी मजम्मत करें, हम बर्मा की भी मजम्मत कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों ने किया ही क्या है। डेफिनेट सी बात है कि ये जो काम है ये इसको हम सपोर्ट नहीं करते। देखें, रिलीजन को किसी भी चीज़ के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। इंडिया ने ये अपने रिलीजन के लिए किया या कुछ टूरिज्म के लिए किया या इवन के अपने किसी भी चीज़ के लिए किया, लेकिन रिलीजन को इस चीज़ में नहीं आना चाहिए। हम उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें चाहिए वो हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। देखिए, हर इंसान की अपनी चॉइस है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, हर एक की अपनी चॉइस है, किसी पर किसी को मुसल्लत नहीं किया जा सकता। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर हम हिंदुज़म की इज्जत करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको भी करनी चाहिए। देखें, ये एक अच्छी बात नहीं है कि आप मस्जिद को डिमोलिश करके या शहीद करके उसकी जगह एक मंदिर को बनाएं। देखें, जैसे शवाद आपने भी बात की है कि हो सकता है कि पहले उधर मंदिर हो, इस चीज़ का आइडिया किसी को भी नहीं है। चलें, हो सकता है हो, अगर वो उसने गलत, एक बंदे ने उस चीज़ को गलत कर दिया, तो आप इस चीज़ को सही गलत तरीके से दोबारा सही नहीं कर सकते। मस्जिद बन गई थी, आप मस्जिद को रहने देते, उसके साथ थोड़ी दूर जाके आप बना देते। अच्छा, हमने अक्सर ये देखा है, इंडिया के अंदर ही देखा है कि मंदिर के साथ मस्जिद होता है। अगर बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो मेरा ख्याल है इंडियन सरकार को करना ये चाहिए था कि उसके साथ आधे हिस्से में जो है मंदिर कर देते, आधे में मस्जिद रहने देते, कुछ इस तरह का फैसला करते, ताकि ये लड़ाई झगड़ा, और वाकई में हमें नज़र आता कि इंडिया में जमहूरियत है और इंडिया की सरकार ने जमहूरी होने का जो है वो एहसास दिलाया है। हमने बहुत देखा है, इंडिया में बहुत जगहों पर है मंदिर के साथ मस्जिद, हमने देखी। वकास, आप इस सारे मामले पर क्या कहेंगे? अब कहा जा रहा है ग्लोबली जो है इस ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, और कहा जा रहा है कि अब ये राम मंदिर हर साल इंडिया की इकोनॉमी में एक बड़ा बूस्ट देगा, 25,000 करोड़ हर साल ये रेवेन्यू जनरेट करेगा राम मंदिर इंडिया की इकोनॉमी के लिए। देखिए, मैं हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करने वाला इंसान हूँ, ठीक है? मैं किसी दूसरे के रिलीजन के ऊपर कोई भी पॉइंट आउट या कोई गलत नेगेटिविटी करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं अपने रिलीजन में खुश हूँ, वो अपने रिलीजन में खुश है। देखें, मेरे दो पॉइंट्स हैं मेरे। नंबर एक, अगर तो पहले वहाँ पे मंदिर था, तो फिर जिसने वहाँ पे मस्जिद बनाई उस बंदे ने गलत किया, ठीक है? और अगर वहाँ पे मस्जिद बन चुकी थी, तो फिर मेरे ख्याल में उसको मस्जिद ही रहने देना चाहिए था, उसको जो है डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। जब आप उसको हटा के हमारे दिलों के ऊपर एक जो है वो लगा रहे हैं, तोड़ रहे हैं हमें, तो आप बजाय कि हमें दूसरी जगह पे जो है मस्जिद की जगह दे रहे हैं, तो आप जो है अगर उस जगह पे वो मंदिर बना लें, तो शायद मेरे ख्याल में बेहतर हो जाता। तो इसमें दोनों रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं जो गलत है, पहले तो जिसने जो है मंदिर की जगह जो है वो मस्जिद जो है डिमोलिश करके बनाया वो, और जिसने, और अब जो जही सही कसर थी वो इंडिया वालों ने इस चीज़ की कर दी कि वहाँ पर उन्होंने जो है मस्जिद को जो है वो करके तो फिर उन्होंने मंदिर बना दिया। और हम मजम्मत के अलावा कर भी क्या सकते हैं? अब अगर उन्होंने कहा है कि पहले शवाहिद उस चीज़ के थे वहाँ पे, तो ठीक है, अगर उनको इस चीज़ में बेहतर लगता है, लेकिन हमारे नज़रिए में वहाँ पे मस्जिद को रहने देना चाहिए था और साइड पे जो है वो कर देना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे भी तो बेशुमार मुसलमान है वहाँ पे, तो कितने लोग जो हैं उनके दिल टूटे होंगे कि यार हमारी मस्जिद को जो है वो इतना डिमोलिश किया गया है। हम यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए हमें बड़ी तकलीफ हुई है कि यार इन्होंने मस्जिद को जो है वो डिमोलिश किया, तो इसको इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बरल जो भी अभी इन्होंने कर दिया, अब मजम्मत के अलावा हम कर भी कह सकते हैं। आपको पता है कि राम मंदिर को 250 मिलियन की डोनेशन आई है। बिल्कुल, देख मैं देख रहा था कि इंडिया की जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हों, स्पोर्ट्स की हों, या किसी भी फील्ड से, सबको बुलाया गया था। तो देखें, बजट या इकोनॉमी के साथ इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। डेफिनेट सी बात है कि रिलीजन एक और चीज़ है, आपकी इकोनॉमी, आपकी जो भी स्टेट है उसके मैटर्स एक अलग चीज़ है। जैसे भाई ने बात की कि डेफिनेट सी बात है हम उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते, वो हमारे की करें। मस्जिद बन गई थी तो डिमोलिश करना किसी भी मसले का हल नहीं था। देखें, अगर आप किसी गलत तरीके से किसी मसले को सॉल्व करेंगे, वो मसला सॉल्व नहीं होगा, वो मजीद बढ़ जाएगा। देखिए, मुसलमानों के जो दिल के अंदर अब वो एक आग भड़क रही है, जो उनके जज्बात को रौंदा गया है, वो चीज कभी भी ठंडी तो नहीं होगी ना। लेकिन आप ये देखें ना कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान इस पर कोई बात ही नहीं कर रहे,
वो खामोश हैं, बल्कि वो खुश हैं कितने सालों बाद जो है राम मंदिर खुल गया। और बहुत सारे इंडियन मुस्लिम्स को मैंने खुशियां मनाते हुए, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए देखा है। मैंने बहुत सारी पोस्ट ऐसी देखी हैं कि वो लोग खुश हैं, इंडियन मुस्लिम भी खुश हैं कि राम मंदिर इतने सालों बाद खुल गया। देखिए, हम इंडिया को मुबारक देते हैं कि उन्होंने मंदिर बना लिया, कोई मसला नहीं, लेकिन मस्जिद की जगह पर ही क्यों? जस्ट क्वेश्चन ये है कि मस्जिद की जगह पर ही क्यों? देखिए, बेशक आप उनको करीब करीब बना दो, जिसने जो रिलीजन करना है उसकी अपनी चॉइस है। हमारे इस्लाम में तो वैसे ही कहा गया, हम किसी को किसी पे मसल्लत नहीं करते, हर बंदे की अपनी चॉइस है। मैं बेशक क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, या मैं हिंदू, जो भी हूँ, मेरी चॉइस है। तो ये हम बात मतलब वापस वही रिपीट करने चाह रहे हैं कि जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरे नज़दीक काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग चीज़ समझा जाए। बात इन शॉर्ट ये है कि अगर वहाँ पे मस्जिद बन चुकी थी तो उसको जो है वो डिमोलिश नहीं करना चाहिए था। देखिए, हमारे अगर वहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं तो उन्हें मुसलमानों के भी जो है रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी कि यार चलें ठीक है, अगर किसी से बहुत पहले ये चीज़ हो चुकी है तो हम उसको गलत ना करें। अगर वहाँ पे मुस्लिम जो है वो हिंदुइज्म की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं रिलीजन की, तो उनको जो है इस चीज़ को सोच लेना चाहिए था कि यार ये हमारे पास इतने ज़्यादा जो है मुसलमान रहते हैं तो उनके दिलों को भी जो है वो दुख होगा। तो उनको जो है साइड पे जगह देने के बजाय अगर साइड पे राम मंदिर बना दिया जाता तो शायद बेहतर होता, और दोनों हिंदुइज्म भी खुश हो जाता और मुस्लिम दोनों रिलीजन जो है वो हैप्पी होते। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि हमें इस पर मतलब सेटिस्फेक्शन हो जानी चाहिए, क्योंकि अब मंदिर बन गया हुआ है तो हमें भी उनके मजहब का एहतराम करना चाहिए। ठीक है, हम अच्छी बात, उन्होंने मंचेरे बना लिया, जो करना था वो कर लिया। तो अब मेरा ख्याल है एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी, जो हो गया अब हमें इस पर खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। मुजम्मत कर दी हमारे आला हुकाम ने, हम मुजम्मत करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है अब हमें इस चीज़ को डाइजेस्ट अब कर लेना चाहिए कि वहाँ पे मंदिर बन गया, बजाय इसके कि अब एक नई शुरुआत हो, मंदिर की तोड़फोड़ जो है ये शुरू करें या हंगामा राई करें। अब ये मज़ीद गलत होगा अगर इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना दिया है कि वहाँ पर राम मंदिर बनेगा और उसका इफ्तिताह भी हो गया है। तो मेरा ख्याल है अब हमें मजहब की लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हम इस जंग को, इस लड़ाई को अब यही खत्म कर देना चाहिए। देखें, अगर तो शवाहिद उन्होंने जो इकट्ठे किए हैं कि पहले यहाँ पे राम मंदिर था, तो फिर इस चीज को जो हमारे से गलत हुआ था हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उस चीज़ की माजरत कर लेते हैं। ठीक है, हम कभी भी, हमारे मुसलमान जो है इस चीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे कि भाई हम उनके किसी जो उनके लिए एक अच्छी जगह है हम उसको जो डिमोलिश करें। अगर तो ये हमारी तरफ से गलती हुई थी और इसके मुकम्मल शवाहिद मौजूद हैं उनके पास, तो फिर तो भाई हमारी तरफ से एक माजरत का पैगाम उनकी तरफ जाना चाहिए कि भाई हमसे ये गलती हुई थी, अगर आप लोगों ने दोबारा इस चीज़ को जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट कर लिया उस चीज़ को तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रहने देते तो हमारे दिल में भी कहीं ना कहीं जो है वो मजीद जो है उनके लिए रिस्पेक्ट और प्यार बढ़ जाता। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एक स्टेप हो गया, उस स्टेप को आप वही दोबारा नहीं कर सकते। अब चलें, जो कुछ भी हो गया ठीक है, अब उसके बाद इंडिया को चाहिए, जितनी उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया मंदिर को, उन्हें चाहिए कि उसी तरह इंपॉर्टेंस मस्जिद को भी दें। जिस तरह से उन्होंने इसको बनाया है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जैसे सुनने में आया कि आयरन नहीं यूज़ हुआ या सरिया नहीं यूज़ हुआ, तो इनको चाहिए कि मस्जिद को भी उसी तरीके से तैयार करें। देखिए कि मुसलमानों को भी वो खुशी मिले जो इन्होंने अपने रिलीजन को दी है। ये मस्जिद के लिए जगह जो है वो दे दी गई और अनकरी मुझे यकीन है कि मस्जिद का भी इफ्तिताह हो जाएगा। जिस तरह आपने बात की कि राम मंदिर को बनाने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का खास ख्याल रखा गया, आयरन स्टील यूज़ नहीं किया गया, तो ये हमने चीज़ देखी है कि इंडिया वाले मजहब के साथ साथ अपनी साइंस को भी लेकर चलते हैं। हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, अगर हम सिर्फ मजहब पे रहेंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हमें मजहब के साथ साथ हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे आना चाहिए, और ये बातें हमारे कुरान पाक में हैं, ये बातें हमारे दीन में हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हम दुनियावी तालीम पर ध्यान देते हैं तो दीनी तालीम पर नहीं देते, दीनी पर देते हैं तो दुनियावी पर नहीं देते। लेकिन इंडिया देखे, वो मजहब के साथ साथ साइंस, आईटी, टेक्नोलॉजी, और ये 21वीं सदी है, 21वीं सदी में हम साइंस और आईटी के बगैर डेवलपमेंट भी नहीं ना कर सकते। बिल्कुल ऐसे। देखिए, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान ना दीनी पे दे रहा है ना दुनियावी पे दे रहा है। अगर हम जस्ट अपने दीन पे अमल कर लें तो यकीन करें हम फिर भी बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, हम उस पर भी अमल नहीं कर पा रहे, हम हर चीज़ में लैग कर रहे हैं। देखिए, हमारी हर चीज़ में है कि हम किसी भी चीज़ को स्मूथली रन नहीं करने दे रहे, हमारी जो गवर्नमेंट स्मूथली रन नहीं हो रही, ठीक है, तो हम तरक्की का सोच ही नहीं सकते। देखिए, तरक्की का हम तब सोच सकते हैं जब हमारे रिसोर्सेज पैदा हो जाएं, जब हमारे यंग जनरेशन है उसको मौका दिया जाए, उसको वो इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो भी इंडिया के या जापान, चाइना, मतलब जो कंट्रीज तरक्की कर रही हैं उस राह पे गामजन हो सके। अब ये देखें ना कि ये राम मंदिर की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो ये हर साल इंडिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा, 25,000 करोड़
मतलब ये लोग टूरिज्म से जनरेट करेंगे, पूरी दुनिया से राम को मानने वाले मंदिर का रुख करेंगे, तो आप देख लें कि वो हर चीज़ को किस तरह मुंसलिक कर देते हैं अपनी इकोनॉमी के साथ। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले लक्षद्वीप एक जजीरा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दरियाफ्त किया और कितना एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गया। मतलब क्या वजह है, इंडिया हमेशा ट्रेंड सेटर क्यों रहता है, हमेशा ट्रेंड में ही नज़र आता है। बिल्कुल, इंडिया अगर आप उनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो वो अचीवमेंट्स की अचीवमेंट्स अभी पिछले दिनों उन्होंने कई सारी अचीवमेंट्स ऐसी की थी कि जिनके ऊपर हम रश कर रहे थे कि हमारा हमसाया मुल्क जो है वो इतनी अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स करता जा रहा है और अपने मुल्क को कहाँ पे कहाँ लेके थे। अभी लक्षद्वीप की आपने पीछे बात की तो अपने टूरिज्म की बात कर रहे थे, मालदीव से उन्होंने जो है बॉयकॉट किया था, तो ये बहुत बड़ी बात थी भाई। इंडिया को मतलब कि वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी इंडिया, ठीक है। उन्होंने मालदीव को वहाँ पर बॉयकॉट कर दिया, जो वहाँ पर थे वो वहाँ पर वहाँ से जो है वापस अपने मुल्क को उन्होंने तरजीह दी और वहाँ पर अपने उन्होंने जो उन्होंने लक्षद्वीप जो उन्होंने ढूंढा उसके ऊपर जो है वहाँ पे गए और जो भी उन्होंने वहाँ पे किया। और उसके बाद मैं वन पॉइंट आपका पहले चीज़ में ऐड करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया, अगर उसी तरह अहमियत दे के उसी तरह उसको भी खूबसूरती से उसको भी बनाए ना, तो हमारे जो हमें भी खुशी होगी कि यार उन्होंने दोनों रिलीजन को इंपॉर्टेंस दी है और हमारे मुसलमान भाई जितने भी वहाँ पे उनको भी शायद खुशी होगी कि यार दोनों चीज़ों को उन्होंने इक्वली इंपॉर्टेंस दिया। जैसे इसको उन्होंने बनाया मोहब्बत और प्यार से, इसका जैसे इनॉग्रेट उन्होंने किया, इसी तरह अगर मस्जिद का भी करें तो हमें डबल खुशी होगी, मजा आ जाएगा। बिल्कुल, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।